तो चलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये पढ़ चुके हैं, सीरीज पैरेलल। स्पेशली यहाँ पर भी सीरीज पैरेलल तो जानेंगे, साथ में मिक्स्ड ग्रुप ऑफ सेल के बारे में भी समझेंगे। तो आइए नंबर एक देखा जाए। फर्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है आइए देखा जाए। यहां पर आपका ये एक सेल है, डॉट डॉट डॉट, कुल एम सेल है, एम सेल्स हैं, प्रत्येक का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके स्मॉल आर है, इस रूप में दिखाया जा रहा है, और डॉट डॉट इस तरह ये है, और ये एक्सटर्नल सोर्स आर से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है, प्रत्येक का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। लेट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एम सेल्स ईच हैज ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, प्रत्येक का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सो दैट नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई ई ई ई एम टाइम्स, तो दैट इज एम ई, एम बार जोड़ा जाएगा। सीरीज में सारे पोटेंशियल जुड़ जाते हैं, आप जानते हैं ई ई ई ई, अगर ई वन ई टू ई थ्री होते तो भी जुड़ जाते हैं, यहां पे ई है तो सिंपली एम ई। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो ये आपके कैपिटल आर तो है ही है बाहर में, और साथ में स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कितनी बार, एम टाइम्स, तो एम आर, ये टोटल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। देन करंट थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो करेगा, आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर दो केस आमतौर पर डिस्कस किए जाते हैं। केस नंबर वन, इफ आर इज मच ग्रेटर देन एम आर, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सारी सेल बड़ी नई है, एकदम चार्ज्ड है, बढ़िया क्वालिटी की है, इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है, तो न्यू सेल्स है, ऑल सेल्स आर वेरी न्यू, है ना, फॉर न्यू सेल्स यहां लिख सकते हैं न्यू सेल्स। देन अगर कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन एम आर, तो ये एम आर निगलेक्ट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एम ई बाई कैपिटल आर आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं, अगर एक सेल के नाते ई बाई आर होता तो एम सेल के नाते करंट एम टाइम्स इंक्रीज कर गया, और अगर इसी में केस टू देखें तो बात समझ में आ जाएगी आसानी से आपको। केस टू, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर एम आर,
इसका मतलब ओल्ड सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ओल्ड सेल्स पुरानी सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है, बाहर से ज्यादा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खुद का है, तो क्या होगा, कैपिटल आर निगलेक्ट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम से एम कट जाएगा, ई बाई स्मॉल आर आ जाएगा, वही उतना आएगा जितना एक सेल के नाते आ रहा है, मतलब सब जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पुरानी सेल को कभी भी टार्च में नहीं यूज किया जाता था, क्योंकि टार्च याद होगा आपको, स्टील वाली, एक के बाद एक सेल लगाते थे, सीरीज में लगाते थे, और अगर सेल पुरानी है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, एक लगाओगे तो भी उतने लाइट देगा, उतने करंट देगी ई बाई आर, और एम लगाओगे तो भी उतने देगा ई बाई आर, क्योंकि एम सेल लगी थी और सब मिलाकर कुल मिला के एम एम कट जा रहा है और ई बाई आर ही आ रहा है, मतलब सीरीज में पुरानी सेल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही सेल के बराबर रिस्पॉन्स देती है, लेकिन अगर नई सेल है उनको आपने सीरीज लगा दिया तो करंट आप देख रहे हैं कि एम टाइम्स इंक्रीज कर गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए सेकंड केस देखें हम लोग। सेकंड केस क्या है, नंबर दो केस मुझे बताना जो है वो बताना है मुझको पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप हम लोग सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आइए हम दिखाएं आपको व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर दो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट क्या चलता है देख लेंगे। तो यहां देखिए ये एक सेल हो गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ईएमएफ ई, और ऐसे ही इस सब के सब पैरेलल में लगी हुई है और डॉट 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 एन रो है, इस तरह की एन रो मैंने बना लिया और सब के सब ये पैरेलल में है, और अच्छी बात यह है कि प्रत्येक का ईएमएफ जो है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इस तरह ईएमएफ वाली ही आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाली एन रोज बना ली और इसको हमने जोड़ रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। अब इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इस पर हमको चर्चा करनी है, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह, सबका नेगेटिव टर्मिनल एक जगह, इस तरह की बातें करनी है। तो लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सो दैट नेट ईएमएफ। अब आप देख रहे हैं पैरेलल में, जब आपके सेल्स पैरेलल में होते हैं या जो भी वोल्टेज पैरेलल में होते हैं, अगर वो ये वी है, ये वी है, ये वी है, तो ओवरऑल भी वी ही रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल नहीं चेंज होता है, तो नेट ईएमएफ ही रहेगा। एंड नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर में आर है और इसके बाद ये आर 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 स्मॉल आर जो है कितनी बार है, वो कितनी बार है, तो एन टाइम्स है और वो भी पैरेलल में है, पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/r 1/r 1/r, अगर एन टाइम्स है तो एन बाई आर, और रिजल्टेंट निकालेंगे तो पलट जाएगा, आर बाई आर हो जाएगा। तो इस तरह से नेट रेजिस्टेंस जो आ गया इस कैपिटल आर में, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ जाएंगे, इसका मतलब स्मॉल आर बाई एन ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आर पूरा पूरा और बाकी ये चीजें पैरेलल में। अब देन नेट करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
इस कितना करंट फ्लो करेगा, तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, नेट ईएमएफ ई ही रह गया, कहीं कोई समेशन नहीं हो रहा है, और नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया, ये आर प्लस आर बाई एन। यहां एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दें तो ये एन ई ऊपर आ जाएगा और यहां एन आर प्लस आर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां भी दो केस हो जाएंगे जैसे पहले थे, केस नंबर वन और केस नंबर टू। आइए जरा केस नंबर वन निपटे। केस नंबर वन, इफ कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन आर बाई एन, कैपिटल आर बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब सारी सेल नई है, नई सेल में बढ़िया चार्जिंग होती है, अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, हायर कंसेंट्रेशन, सब कुछ अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल, तो न्यू सेल फॉर न्यू सेल देन आई की वैल्यू कितना आ गई, अगर यहां आर ही सब कुछ है, आर बाई एन निग्लेक्ट हो गया तो ये ई बाई आर ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन सेल्स को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो आई की वैल्यू ई बाई आर आता है, चाहे एन की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, करंट ई बाई आर ही रहता है, वही उतनी करंट रहती है जितना एक सेल के नाते करंट रहती है। तो पैरेलल में नई सेल्स को लगाने कोई मतलब नहीं होता है, नई सेल को हमेशा सीरीज में लगाने में फायदा होता है। देखिए यहां पर एम टाइम करंट ज्यादा हो जा रही थी, पैरेलल में लगाने पर आई की वैल्यू ई बाई आर ही आई, वही आई जो एक सेल के लिए आ रही थी। ऐसे ही केस नंबर टू, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन आर बाई एन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, सेल बड़ी घटिया क्वालिटी है, पुरानी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा है कि बाहर के रेजिस्टेंस उसके सामने कुछ नहीं है, थके हुए सेल है सारे, घटिया क्वालिटी का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स में दम रही नहीं गया है, तब क्या होगा, मतलब फॉर ओल्ड सेल देन यहां पर देखेंगे कैपिटल आर निगलेक्ट हो जाएगा, यहां पर ई अपॉन स्मॉल आर बाई एन आएगा जो करंट ऊपर जाएगा, तो ये एनी बाई स्मॉल आर, एनी बाई स्मॉल आर आ जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं अगर एक सेल से करंट ई बाई स्मॉल आर होता तो एन सेल से एनी बाई स्मॉल आर, मतलब ज्यादा हो गई करंट, एन टाइम्स हो गई, और यहां पर जबकि हमने सीरीज में जब पुरानी सेल लगाई थी तो वो ई बाई आर आया था, पैरेलल में लगा दिया तो एनी बाई आर आ गया, मतलब पुरानी सेल को हमेशा पैरेलल में लगाने में फायदा हो रहा है और नई सेल को हमेशा सीरीज में लगाने में फायदा हो रहा है, यहां पे एमी बाई आर आया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा, बचपन में आपने काम किया भी होगा, तो चार्जिंग वाली टार्च आने लगी, तो हम लोग के बचपन में ज्यादातर टार्च आपकी सेल वाली आती थी, एवरेडी की बढ़िया क्वालिटी की सेल लगाया करते थे हम लोग, और जब वो सेल खराब हो जाती थी उसको फोड़ करके कालिख निकाला करते थे, ये सारा काम हम लोग बचपन में किए थे, आप लोग को भी थोड़ा अवसर आया होगा। तो पुरानी सेल जो होती है वो हमेशा पैरेलल में अगर आप लगा देंगे तो करंट एन टाइम इंप्रूव कर जाएगी, मतलब टार्च में तो एक के बाद एक लगती है, सीरीज में लाइन से लगती है तो वहां पर अच्छी करंट नहीं मिलती है, वहां पर वही एक ही सेल के बराबर करंट मिलेगी ई बाई आर, लेकिन अगर उसको पैरेलल लगा देंगे तो हमें रोशनी ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ेगी, सारे तार के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह, सारे तार के नेगेटिव टर्मिनल एक जगह, और तब बल्ब में लगा दीजिए छोटे से, तो वो ज्यादा अच्छी रोशनी देने लगेगा, एन टाइम्स इंप्रूव कर जाएगा, जितनी ज्यादा सेल लगाएंगे उतना ज्यादा करंट मिल जाएगी। तो सीरीज का और पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, अभी आपको मिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, चलिए इसी पर थोड़ा और चर्चा करेंगे अभी हम लोग। अगर यहां तक में कोई बात ऐसी मैंने कही हो जो आपको नहीं आई हो या कम आ रही हो तो हम लोग चर्चा करेंगे इसकी अभी, कि यहां पर अगर पैरेलल वाले मैंने दिखाया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी।
चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा तरीका जानेंगे, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जाने के बाद थर्ड मेथड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में हम जानेंगे। मिक्स्ड का नाम से ही आप क्लियर हो गए होंगे कि यहां पर सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, दोनों तरीके का होगा। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पे एक ही जैसी n सेल्स हैं, एक रो में m सेल्स, प्रत्येक रो में m सेल लगा ली गई और इस तरह की कितनी रो बनाई गई, तो आप समझ सकते हैं जैसे पिछली बार हम लोगों को पैरेलल में जोड़ा था, हर रो में m सेल है, प्रत्येक रो में m सेल है और इस तरह की रो कितनी बनाएंगे हम, n रो, इस तरह की n रोज बनाएंगे। और लास्ट वाला फिर दिखा दे आपको, अंतिम रो दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें फिर m सेल है, प्रत्येक रो में m सेल है और इन सबको हमने पैरेलल में उठा के जोड़ दिया, मतलब n रोज तो है ही है और प्रत्येक रोज में भी सेल लगी हुई है और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने उठा करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया और इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी इसी को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेल का जो EMF है वो E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है, ये कॉन्सेप्ट है। कितनी रो है लेट और कॉम्बिनेशन ऑफ m इंटू n सिमिलर सेल्स ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, प्रत्येक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर इन मिक्स्ड ग्रुप एज शोन इन फिगर, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज करेक्टेड एंड करंट आई कंडक्ट थ्रू इट, इसमें से करंट आई फ्लो कर रही है। तो आइए जरा नेट ईएमएफ देखें, जरा नेट ईएमएफ, तो प्रत्येक लाइन में एम सेल है, एम और एक सेल की ईएमएफ ई है, तो एम सेल अगर सीरीज जुड़ा जाएगा तो टोटल उस लाइन का जो ईएमएफ हो जाएगा वो एम ई हो जाएगा, ई ई ई ई एम टाइम्स, तो एम ई। और इस तरह की रोज है कितनी, इस तरह की रोज है कितनी, एन है, एन रोज है, लेकिन यहां भी एम ई, यहां भी एम ई, यहां भी एम ई, और सारे वोल्टेज अगर पैरेलल में है सेम है तो रिजल्टेंट वोल्टेज भी सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहां पर टोटल ईएमएफ आ जाएगा एम ई, वही ईएमएफ आएगा जो एक रो का है, वही सारी रो मिलाकर भी होगा क्योंकि सेम ईएमएफ था और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। एंड नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया, तो कैपिटल आर तो एक्सटर्नल हो गया और इसके बाद यहां पे देखिए
एम है तो एम आर हो जाएगा, आर 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 सीरीज में है एम आर, और एम आर एम आर एम आर एम आर एन टाइम्स पैरेलल में, पैरेलल में तो वन बाई एम आर वन बाई एम आर वन बाई एम आर एन टाइम्स करेंगे तो एन बाई एम आर, और पलट देंगे उसको तो दैट इज एम स्मॉल आर बाई एन, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्स इज द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये दोनों लाइन से है सीरीज से है, इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस आर प्लस एम आर बाई एन। चलिए हेंस करंट कंडक्ट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I is equal to net EMF upon net resistance, net EMF upon net resistance, net EMF upon net resistance, तो net EMF कितना है, net EMF कितना है small m e, और ये कितना है टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल एम आर बाई एन, ये आ गया। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिस्टमेटिक कर लें और लॉजिकल कर दें इसको तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए I इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, एन आर प्लस एम आर, इस रूप में आ जाएगा ये। उम्मीद है यहां तक की बात समझ आ रही होगी आपको, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। नेट करंट कितना होता है ध्यान में आया होगा, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो किसी को, कोई बात कम समझ में आई हो न समझ में आई हो तो हाथ उठा दीजिएगा, मौका दे देंगे आपको पूछने का, आप पूछ सकेंगे। थोड़ी सी बात मुझे और बोलनी है यहां पर आगे, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट रहेगा, हम लोग को कुछ सवाल देखने रहेंगे, उन सवाल की हम बात करेंगे आपसे। तो आइए पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाए जरा। इसके बाद अगर इस सेल से जो ये सेल लगी हुई है, यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक मशहूर है मैक्सिमम पावर थ्योरम या मैक्सिमम करंट थ्योरम, करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी मैक्सिमम ही आएगी, तो इस तरह से मैक्सिमम पावर थ्योरम देखा जाएगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल प्रोवाइड प्रोवाइड मैक्सिमम पावर और करंट इफ आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम कब होगा जब नीचे वाली चीज मिनिमम हो जाएगी, इफ एन आर प्लस एम आर इज मिनिमम, जब ये नीचे वाली चीज मिनिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम कब होगी जब ये नीचे वाली चीज यहां पर डिनोमिनेटर जो है यहां मिनिमम हो जाए, बट एन आर प्लस एम आर को हम अंडर रूट ऑफ एन आर माइनस एम आर का स्क्वायर प्लस फोर एम एन आर आर लिख सकते हैं। क्या किया गया है यहां पर, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी के रूप में लिखा गया है, एम आर प्लस एन आर को हमने माइनस के स्क्वायर के रूप में लिखना पसंद किया है, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम तभी होगा क्योंकि ये अंडर रूट टर्म है जिसमें स्क्वायर टर्म जीरो हो जाए, स्क्वायर टर्म की मैक्सिमम वैल्यू जीरो, क्योंकि स्क्वायर या तो हमेशा पॉजिटिव होता है और या तो जीरो होता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये चीज मिनिमम तभी होगी जब ये चीज जीरो होगी,
the MR plus MR is minimum if NR minus MR is zero, जब ये जीरो हो जाए, तो इसलिए कैपिटल R बराबर आ जाएगा MR बाई N। और ये बड़ा मजेदार रिजल्ट आ गया, एक बड़ा मजेदार रिजल्ट आ गया। क्या मजेदार रिजल्ट आ गया? क्योंकि कैपिटल R क्या है, यही तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये एम आर बाई एन क्या है, अगर एम आर बाई एन पे गौर करेंगे तो यही तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो बड़ा मजेदार सा रिजल्ट आया कि करंट या पावर मैक्सिमम कब होती है, करंट या पावर मैक्सिमम कब होती है, जब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और कितना होता है यहां पर मैक्सिमम मिनिमम करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम करंट या मिनिमम रेजिस्टेंस, तो मिनिमम रेजिस्टेंस या मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, सो दैट मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, आई मैक्स कितना हो जाएगा। तो यहां ध्यान देंगे या यहां समझिए, अच्छा समझ में आएगा आपको। तो ये एमई अपॉन ये स्मॉल एम आर बाई एन की वैल्यू भी कैपिटल आर हो जाए, दैट इज टू कैपिटल आर इस रूप में आ जाए। और इंटरनल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें आप कैपिटल आर की जगह भी एम आर बाई एम लिखेंगे, टू एम आर बाई एन आएगा और एम से एम कटने बाद एन ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एनी अपॉन टू स्मॉल आर, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया, कितना देखने में सिमेट्रिकल है। एम ई बाई एम ई बाई कैपिटल ई एम ई बाई टू कैपिटल आर, अगर कैपिटल आर आ रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रूप में लिख रहे हैं, तो एक रो में कितनी सेल लगी है ये लिखा गया है, और अगर स्मॉल आर के टर्म में लिखा गया है तो ये देखा गया है कि यहां पर कितनी रो है, एनी बाई टू स्मॉल आर। ये इसी रिजल्ट से हमने ये लग दिया। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट कब देती है, जब उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल लगाया जाता है। तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस पर हम लोग बहुत सारे सवाल लगाएंगे, जानेंगे, और अभी तक जो नहीं आया होगा आप इसको देखिए, समझिए, बताइए।